मॉर्निंग दोस्त, रीजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ेगा, दो दिन और प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, उसके बाद कोई नए चैप्टर को शुरू करेंगे। और आइए, तो हम लोग बना रहे थे एक्सरसाइज 13.2। इस चैप्टर में क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, बोर्ड पर उतारने में बहुत इथी लगता है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक थैले में, मैंने पहला थैला में चार लाल गेंद और चार काले गेंद है। पहला थैला में, माने एक थैला में चार लाल गेंद और चार काले गेंद है, याद हो गया। पहला थैला में चार लाल गेंद और चार काली गेंद है, यानी पहला थैला में टोटल गेंद हुआ 8 गो। जब युकरा में से कोई एक गेंद निकाले तो नंबर ऑफ पेस होगा 8। एक आम थैले में माने एक दूसरा थैला में दो लाल गेंद और 6 काली गेंद है, यानी यहां पर थैला 2 गो है। पहला थैला में 4 लाल गेंद और 4 काली गेंद, यानी टोटल गेंद हो गया 8 गो। दूसरा थैला में 2 लाल गेंद और 6 काली गेंद है, यानी टोटल गेंद हो गया 8 गो। यानी पहला थैला में भी 8 गेंद जिसमें 4 लाल गेंद और 4 काली गेंद है, दूसरा थैला में भी 8 गेंद है जिसमें 2 लाल गेंद और 2 काली गेंद है, यानी थैला ही अकेगो है, 2 थैला है। तो याद करो प्रोबेबिलिटी का, हम आपको छोटा छोटा बताते हैं। अगर मान लिया जाए कि 5 लड़का है तो कोई एक लड़का का चुनने की प्रायिकता 1/5 होगा। अगर 10 लड़का है तो ओकरा में से कोई एक लड़का का चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/10 होगा। तो यहाँ पर 2 थैला है, 2 थैला है तो कोई एक थैला का चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। 2 थैला रहेगा तो कोई एक थैला चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर कोई बोल देगा कि 3 थैला है तो कोई एक थैला का चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो यहाँ थैला के वो है 2 थैला है, तो अगर हम बोलेंगे पहला थैला की चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा थैला चुनने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी 2 थैला है तो कोई भी थैला को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यानी थैला के वो है 2 थैला, पहला थैला में भी 8 गेंद जिसमें 4 लाल गेंद और 4 काली गेंद, दूसरा थैला में भी 8 गेंद है जिसमें 2 लाल गेंद और 6 काली गेंद है। आगे बढ़े चलते हैं। दोनों थैला में से एक थैला को यादृच्छ चुना जाता है। दोनों थैला में से एक थैला को यादृच्छ माने बिना देखे हुए एक थैला को चुनते हैं, माने 2 थैला रखे हुए, अचानक कोई एक थैला को अचानक उठा लेते हैं, तो चाहे तो पहला थैला होगा या दूसरा थैला होगा, यानी यहां पर 2 तरह का घटना घटेगा। यादृच्छ माने कि 2 थैला में से कोई एक थैला उठाए तो पहला थैला भी हो सकता है और दूसरा थैला भी हो सकता है, यानी यहां पर 2 तरह का घटना घटेगा, है ना बाबू। कैसे लिखेंगे, चुने गए पहला थैला होने की घटना। बड़े बढ़िया से समझो, थैला के वो है 2 थैला है, उसमें से अचानक एक थैला उठाएंगे तो पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, यानी यहाँ पर तरह का घटना घटेगा, 2 तरह का, पहला थैला होने की घटना, दूसरा थैला होने की घटना। आइए पहला थैला होने की घटना को मान ले E1, दूसरा थैला होने की घटना को मान ले E2। बढ़िया से समझो, दोनों थैला में से एक थैला को चुना जाता है यादृच्छ, तो चुना गया थैला पहला भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, यानी कितने तरह के घटेगा, 2 तरह का, यानी पहला थैला होने की घटना को E1 और दूसरा थैला होने की घटना को E2। कोई दिक्कत है? E1 का मतलब पहला थैला होने की घटना, E2 का मतलब दूसरा थैला होने की घटना। आगे बढ़ते हैं। एक थैला को यादृच्छ चुना जाता है, या आओ उनमें से जो थैला चुने उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। मतलब 2 थैला में से एक थैला चुने और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कोची है,
लाल है, यानी चुनी गई गेंद को, चुनी गई गेंद को लाल होने की घटना को हम क्या माने? ऐसे भी लिख सकते हैं लाल गेंद है, क्या लिख सकते हैं बाबू? पहला थैला होने की घटना को E1, दूसरा थैला होने की घटना को E2, लाल गेंद निकालने की घटना को A, लाल गेंद निकालने की घटना को A। अब क्या करता है, इस बात की क्या प्रायिकता होगा कि गेंद पहले थैला से निकाला गया? बड़े बढ़िया सब समझो, उनमें से ऐसा उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है, तो लाल गेंद निकालने की घटना को ए, लाल गेंद निकालने की घटना को ए, इस बात की क्या प्रायिकता कि गेंद पहला थैला से, तो पहला थैला का मतलब E1, यानी बताओ बाबू पहले कौन घटेगा E1, बाद में कौन घटेगा ए, यानी इस क्वेश्चन में हमको निकालना है मेरे भाई E1 by A। दो से समझो, पहला थैला होने की घटना को E1, दूसरा थैला होने की घटना को E2, लाल गेंद निकालने की घटना को A। इस क्वेश्चन में हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A। बात समझ में आया? पहला थैला होने की घटना को E1, दूसरा थैला होने की घटना को E2, लाल गेंद निकालने की घटना को A। तो इसमें हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A। कोई दिक्कत? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A का फॉर्मूला बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। कोई दिक्कत है? चलिए भाई इसको बनाते हैं क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं दोस्त सॉल्व। लेट माने माना, E1 मतलब पहला थैला होने या पहला थैला को चुनने, पहला थैला को चुनने की घटना, पहले थी बना लीजिए। यह आपका हो गया पहला थैला, यहां पर लिखिए ना, यह आपका हो गया पहला थैला, पहला थैला में लाल गेंद के गो है, लाल गेंद 4 गो, काली गेंद 4 गो, कुल गेंद 8 गो। अब आइए दूसरा थैला बनाते हैं, हो गया दूसरा थैला। बोलिए लाल गेंद हो गया 2 गो, काली गेंद हो गया 6 गो, कुल गेंद हुआ 8 गो। तो पहला थैला में भी 8 गो और दूसरा थैला में भी 8 गो, तो पहला थैला में कोई एक गेंद निकालने पर
नंबर ऑफ पेस कितना होगा, आठ गो, यहाँ भी नंबर ऑफ पेस होगा आठ गो। सब समझिए, अगर हम बोल दें कि पहला थैला से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, पहला थैला से एक लाल गेंद, पहला थैला से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता तो चार बटा आठ मान एक बटा टू, पहला थैला से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता तो चार बटा आठ मान एक बटा टू, तो दूसरा थैला से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता तो दो बटा आठ मान एक बटा चार। अब आइए पहले दूसरा थैला से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता तो छ बटा आठ यानी तीन बटा चार, कोई दिक्कत है? अब आइए बाबे समझ में, अब आइए लेट है ना बाबू, इवन मतलब पहला थैला को चुनने की घटना, पहला थैला को चुनने की, पहला थैला को चुनने की घटना को इवन से दूसरा थैला को चुनने की घटना को यूट्यूब से लाल गेंद निकालने की घटना निकालने की लाल गेंद निकालने की घटना को ऐसे तो हम लोग को निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए बराबर व्हाट। चलिए बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू ए बाय इवन बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू ए बाई ई बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू ए बाई ई टू, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बताओ अभी सभी के मान को पुट कर देंगे तो इसका मान निकलेगा, तो बताया इसको हल करने के लिए हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए वन चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू चाहिए। मतलब देख लीजिए जरा में ही चार वो पद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू है। ये चारों का मान निकाल कर इसमें पुट कर देंगे तो ही तुम्हारा आंसर होगा। अब आइए चलिए सबका चारों का मान निकालते बाबू, है ना, निकालना कोचे के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू। चलिए देखिए आइए निकालते हैं दोस्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, ई वन का अर्थ बता, ई वन का मतलब पहला थैला, तो थैला के वो है दो थैला है तो दोनों थैला में से कोई थैला को चुनने की प्रायिकता एक बटा टू, तो इवन का मतलब हुआ पहला थैला को चुनने की प्रायिकता, तो पहला थैला को चुनने की प्रायिकता एक बटा टू। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ई टू का मतलब दूसरा थैला, तो दो थैला में से कोई भी थैला है चाहे तो पहला थैला चुनो या दूसरा थैला चुनो उसकी प्रायिकता एक बटा टू हो। अब आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई बाई,
चलो इबन का मतलब पहला थैला, ए का मतलब लाल गेंद, याद करो। पहला थैला में लाल गेंद चार गो है, काली गेंद चार गो है, तो टोटल कितना हो गया आठ गो। एक अर्थ हुआ कि पहला थैला में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पहला थैला में लाल गेंद कितना है चार गो, बट्टा टोटल कितना आठ, एक बट्टा टू। अब आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो ई टू का मतलब दूसरा थैला, दूसरा थैला से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो दूसरा थैला में लाल गेंद है दो गो और टोटल आठ, एक बटा चार। अब सभी के मान को वहां लौटा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाई ए बराबर, चलिए मान दे रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो इवन का मान वन बाई टू गुने ए बाई इवन, ए बाई इवन का भी मान वन बाई टू बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ए बाई इवन जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ए बाई ई टू हो गया। अब इसको हल कर दोस्त, एक बटा टू में एक बटा टू से गुना कर भागा, एक बटा टू में एक बटा टू, एक बटा टू में एक बटा आठ, चलिए एक बटा चार भागा चार, आठ का एलसीएम आठ, दो प्लस वन, एक बटा चार गुना उलट दीजिए आठ बटा तीन काट दीजिए दो बटा तीन, यही तुम्हारा आंसर होगा। देख देखो दोस्त, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मात्र पूछा 2009 से लेकर 2020 में, एक क्वेश्चन आपको पूछा 2014 में पांच नंबर का, फाइव नंबर का क्वेश्चन एक बार इस चैप्टर से एक एक बार पूछवे किया है ना। अब आइए चलिए, तो क्या इसको हम समझते हैं, बावन तासों के गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, तो बताओ मेरे भाई कि ताश के गड्डी में के तरह का पत्ती होता है, तो चार तरह का, कौन कौन देखिए, इसको बोलते हैं ठिकरी, चलिए इसको बोलते हैं चिड़िया, चलिए ये हो गया लाल पान, चलिए ये हो गया काला पान, यानी बामन ताशों के गड्डी में, यानी ताश के गड्डी में चार तरह का पत्ती होता है, ठिकरी चिड़िया लाल पान काला पान। यहां समझिए, बामन ताशों के गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, बामन में से एक पत्ता खो जाता है, तो चाहे खोया हुआ पत्ता ठिकरी का भी हो सकता है, चिड़िया का भी हो सकता है, लाल पान का भी हो सकता है, काला पान का भी हो सकता है। फिर समझो, बावन ताशों के गड्डी में के तरह का पत्ती होगा, चार तरह का पत्ती होगा, ओकरा में से एक वो पत्ता भुला जाता है, तो भुलाया हुआ पत्ता चाहे वो ठिकरी का होगा या चिड़िया का होगा या लाल पान का होगा या काला पान का होगा, यानी यह घटना के तरह का घट सकता है, चार तरह
के घट सकता है। यानी क्या लिख सकते हैं पहले बताओ, खोया हुआ पत्र, खोए हुए पत्ते, ईंट का होने की घटना, खोया हुआ पत्ता, ईंट का होने की घटना को मान ले ईवन, खोया हुआ पत्ता, चिड़िया का होने की घटना को मान लो ईटू, खोया हुआ पत्ता, लाल पान का होने की घटना को मान लो ईथ्री, खोया हुआ पत्ता, काला पान होने की घटना को मान लो ईफोर। यानी यहाँ पर घटना चार तरह का घटेगा, ईवन, ईटू, ईथ्री, ईफोर। ईवन का मतलब खोए हुए पत्ते, खोया हुआ पत्ता, ठिकरी का होने की घटना, ईटू खोया हुआ पत्ता, चिड़िया का होने की घटना, ईथ्री खोया हुआ पत्ता, काला पान होने की घटना, ईफोर खोया हुआ पत्ता, काला पान होने की घटना को ईफोर। अब बताइए ठिकरी हो या चिड़िया हो या लाल पान हो या काला पान हो, ठिकरी भी 13 गो, लाल चिड़िया भी 13 गो, ये काला पान भी 13 गो, ये भी 13 गो, टोटल कितना हो गया 52। अब चलिए अगर आप कोई पूछे कि खोया हुआ पत्ता ठिकरी का होने की प्रायिकता, खोया हुआ पत्ता ठिकरी का होने की प्रायिकता, तो ठिकरी क्या होता है 13 गो, टोटल कितना हो गया 52, 13 चौके 52, 1/4। यानी खोया हुआ पत्ता ठिकरी का होने की प्रायिकता कितना, 1/4। अगर यही पूछ दे कि खोया हुआ पत्ता चिड़िया का होने की प्रायिकता, तो चिड़िया कितना हो गया 13, टोटल कितना हो गया 52, 13/52, यानी 1/4। यानी हम कह सकते हैं कि खोया हुआ पत्ता ठिकरी का या चिड़िया का या लाल पान का या काला पान का होने की प्रायिकता 1/4 हो गया। कोई भी पत्ता, चाहे तो ठिकरी का खो जाए या चिड़िया का खो जाए या लाल पान का खो जाए या काला पान का खो जाए, सभी की प्रायिकता 1/4। यानी हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईटू बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईथ्री बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईफोर बराबर 1/4। कोई दिक्कत है? यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट मैंने माना ईवन खोया हुआ पत्ता ठिकरी का होने की घटना, ईटू खोया हुआ पत्ता चिड़िया का होने की घटना, ईफोर खोया हुआ पत्ता काला पान होने की घटना, ईफोर खोया हुआ पत्ता काला पान होने की घटना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईटू बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईथ्री बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईफोर बराबर 1/4। कोई दिक्कत है? अब आगे क्या कहता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 1 पत्ता खो जाता है, तो 52 में से 1 पत्ता खो गया है ना, 52 में से 1 पत्ता खो गया, तो शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट का है। यानी शेष पत्तों में से 2 ईंट पत्ते निकालने की घटना को आप मान लीजिए ए, शेष पत्तों में से 2 ईंट पत्तों को निकालने की घटना को मान ले ए। कोई दिक्कत? ईवन का मतलब खोया हुआ पत्ता ठिकरी का होने की घटना, ईटू का मतलब खोया हुआ पत्ता चिड़िया का होने की घटना, ईथ्री का मतलब खोया हुआ पत्ता लाल पान होने की घटना, ईफोर का मतलब खोया हुआ पत्ता काला पान होने की घटना है ना, ए का मतलब शेष पत्तों में से 2 ईंट पत्ती निकालने की घटना। अब क्या कहता है, खोए हुए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता, तो खोया हुआ पत्ता ईंट की होने की घटना को क्या मानेंगे, ईवन। अच्छे, शेष पत्तों में से 2, बढ़िया से समझो, खोए गए पत्ते की ईंट, तो खोया हुआ पत्ता ईंट होने की घटना को ईवन मानिए, और शेष पत्तों में से 2 ठिकरी पत्ती निकालने की घटना को क्या माने, ए माने। यानी यहां पर हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन बाय ए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाई ए निकालना है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? चलिए हम बनाते हैं दोस्त। कैसे? सुनो बढ़िया से। इवन का मतलब प्रोबेबिलिटी, इवन का मतलब खोया हुआ पत्ता, ठिकरी का होने की घटना, इटू का मतलब खोया हुआ पत्ता, चिड़िया का होने की घटना, इथरी का मतलब खोया हुआ पत्ता, लाल पान का होने की घटना, इफोर का मतलब खोया हुआ पत्ता, काला पान का होने की घटना, ए का मतलब शेष पत्तों में से दो ईट पत्ते निकालने की घटना। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए। अब बता कि चारों घटना की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फोर बराबर 1/4 हो गया। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम? चलिए बनाते इसको। चलिए बनाते हैं। लेट इवन का मतलब खोया गया, खोया हुआ, खोया खोया हुआ पत्ता, ईट का होने की घटना, चलिए E2 खोया हुआ पत्ता, चिड़िया का होने की घटना, E3 खोया हुआ पत्ता, लाल पान का होने की घटना, E4 खोया हुआ पत्ता, काला पान का होने की घटना, ए बराबर शेष पत्तों में से दो ईट पत्ते निकालने की घटना। चलिए अब हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए बराबर व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन बट्टा, चलिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू ए बाय इवन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू ए बाय ई टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री
a by e 3 probability of e 4 k by e 4 है ना, ये हो गया समीकरण नंबर। देखने दीजिए बाबू फॉर्मूला देखिए, ठीक है ना। चलिए इसमें सभी के मान को हम पुट कर देना है, इसको मानिए समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आइए इसका, इसमें आपको आठ चीज का मान चाहिए, इसमें आठ पद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर है, समझ। एक में आठ गो पद है, देखिएगा बढ़िया से। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाई, मतलब ये आठों का मान निकाल करके एकरा में क्या कर देना है, पुट कर देना है। कोई दिक्कत है, समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। देखो बाबू अब आए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन रहे या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू रहे या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री रहे या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर रहे, बराबर 13/5 1/4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन का भी मान 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू का भी मान 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री का भी मान 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर का भी मान 1/4। आप थोड़ा सा रफ से बताइए ठीकरी, तो बोलिए ठीकरी को हम लोग माने थे ई वन, के पत्ता है 13 पत्ता है, चिड़िया, चिड़िया को, चिड़िया होने की घटना को माने थे ई टू, के भी कितना है 13। अब आइए का लाल पान, लाल पान को माने ई थ्री, ए भी के गो 13 गो, काला पान को माने है ई फोर, ए भी कितना है 13 गो, तो कुल कितना हो गया 52 गो। अब चलिए हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई फोर। आइए बढ़िया से समझा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, तुम बढ़िया से समझना है बाबू, बढ़िया से। ई वन का मतलब खोया हुआ पत्ता ठिकरी का, ई वन का मतलब नहीं ठिकरी, यानी खोया हुआ एक पत्ता ठिकरी का, तो ठिकरी के गो है 13 गो है। ई वन का मतलब हो गया खोया हुआ, जो खोया हुआ एक पत्ता, खोया हुआ एक पत्ता ठिकरी का है, तो ठिकरी के गो है 13 गो है, तो 13 गो में एगो खो गया तो बच गया 12 गो, है ना। बढ़िया से बताओ, ईवन का मतलब खोया हुआ एक पत्ता ठिकरी का है, तो ठिकरी के गो 13 गो है, 13 गो में एगो खो गया तो बचा कितना 12 गो। अब चलिए टोटल कितना था 52, 52 में से एक खो गया तो 51, कोई दिक्कत। जब खोया हो, जब एक पत्ता ठिकरी का एक पत्ता खो जाता है तो ऐसे रीजन में ठिकरी क्यों हो जाएगा 52 होगा, कुल क्या होगा 51 को। अब क्या कहता सुनिए, चलो बाबू यदि लड़का क्या कहता, यदि खोया हुआ पत्ता ठिकरी का हो तो शेष पत्तों में से, तो बताओ मेरे भाई पहले तो समझो, ए ईवन का मतलब खोया हुआ पत्ता ठिकरी का, ए का मतलब शेष पत्तों में से 2 पत्ते ठिकरे, पता बढ़िया से। ईवन का मतलब खोया हुआ पत्ता ठिकरी का है ना, एक जब एक पत्ता ठिकरी का खोया तो ठिकरी के वो 13 गो, 13 गो में एगो खो गया तो 12 गो, तो टोटल के वो बच्चा 11 हो गया। आंसर से समझिए, जब खोया हुआ पत्ती ठिकरी का माने एक पत्ता ठिकरी का खो जाता है तो शेष पत्तों में से 2 पत्ते
ठिकरी निकालने की प्रायिकता, तो शेष पत्ता में से दो पत्ता, तो जब एक पत्ता ठिकरी का खो जाता है तो बचा कितना, 12 गो, 12 में से क्या ठिकरी निकालना है, 2 गो। बड़े समस्या से देख, नहीं समझना। इवन का मतलब खोया हुआ पत्ता ठिकरी का, तो जब एक पत्ता ठिकरी का खो जाता था, ठिकरी के वो 13 गो, 13 में वो खो गया तो 12 गो, टोटल के वो बचा 11 गो। तब क्या कहता है, जब खोया हुआ पत्ती ठिकरी का है तो शेष पत्तों में से दो ठिकरी पत्ती निकालने की प्रायिकता, तो जब एक पत्ता ठिकरी का खो जाता है तो ठिकरी के वो बचा 12 गो, टोटल के वो 11 गो, तो 12 में से के वो ठिकरी निकालना 2 गो, तो 12 में से 2 गो निकालेंगे तो 12 सी 2 बट्टा नंबर ऑफ एस, तो एस के वो 11, बढ़िया तो बताओ, बट्टा नंबर ऑफ एस, तो टोटल के वो बचा 51 गो, 51, बढ़िया से भी समझना मेरे भाई। इवन का मतलब हुआ खोया हुआ पत्ती ठिकरी का, तो जब एक पत्ता ठिकरी का खो जाता था, ऐसे ठिकरी के वो 13 गो, 13 गो में वो खो गया तो बचा 12 गो, टोटल के वो था 52, 52 में वो खोया तो 51। अब जब क्या कहता है, जब खोया हुआ पत्ती ठिकरी का है तो शेष पत्तों में से दो पत्ता ठिकरी निकालने की प्रायिकता, तो ठिकरी के वो 12 गो, 12 गो में के वो निकालना 2 गो, तो क्या लिखें, 12 सी 2 बट्टा नंबर ऑफ एस, तो बता रहे के गो बचे 51, 51 में चुनाव करना 2 गो, 51 सी 2 हल कर दे। चलिए इसको हल करने का तरीका हम बताएं मेरे भाई, चलिए ऊपर वाला को घटते हुए क्रम में लिखेंगे 2 बार, ऊपर वाला को 1 के घटते हुए क्रम में लिखना है 2 बार, चलो 12 सी 2 को हल कर रहे हैं, 12 गुने 11 बटा नीचे का फैक्टोरियल, चलो बटा मीन्स हो गया भागा। अब आइए 51 को घटते हुए क्रम में 2 बार बटा नीचे का फैक्टोरियल, चलिए क्या होगा हल करें, उलट दो, इसे ही कट गया बाबू, काटी 6 दूनी 12 25 दूनी 50, अब कटेगा, हाँ 3 दूनी 6, 3 से काटे 3 दूनी 6, 70 51 हो गया 22, 11 दूनी 22, गुना करो 17 गुने 22, गुना करें 25 में 17 से 7 5 35 के 5 7 14 17 कितना, तब बोला 425 होता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन बराबर 22/425। अब निकालेंगे बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई फोर, ये जब सब का मान निकल जाएगा तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। इसको देखिए, ये आपका रफ है, इसको नहीं उतारना है, चलो बाबा अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, और समझो ई टू मतलब खोया हुआ पत्ती चिड़िया का, पढ़े समझो, जब एक, हाँ जब खोया हुआ एक पत्ती चिड़िया का है ना, तो चिड़िया के गो 13 गो, 13 गो में एक गो खो गया तो बचा गो 52, 12 गो, बड़े से ई टू का मतलब खोया हुआ एक पत्ती चिड़िया का, तो चिड़िया के गो 13, 13 में से एक गो खो गया तो 12 गो। अब क्या कहता, सुनिए बड़े से, जब खोया हुआ पत्ती,
जब खोया हुआ एक पति चिड़िया का हो तो शेष पतियों में से दो एक पति निकालने की प्रायता। तो बताओ मेरे भाई, जब खोया हुआ एक पति चिड़िया का हो तो ऐसे रीजन में ठिकरी तेरह के तेरे रह जाएगा, कोई दिक्कत है? जब खोया हुआ एक पति चिड़िया का हो तो ऐसे रीजन में ठिकरी के गो अगर तेरह के तेरह गो तो तेरह में से के गो निकालना दू गो। बढ़िया से, जब खोया वो पति चिड़िया का है तो शेष पतियों में से, जब खोया वो एक पति चिड़िया का है, बढ़िया से समझो, जब खोया वो एक पति चिड़िया का हो, जब खोया वो पति एक लाल पन का हो, जब खोया वो पति एक काला पन का हो, तो तीनों रीजन में चिड़िया तेरह का तेरह रह जाएगा, कोई दिक्कत है? तो जब खोया वो पति, जब खोया हुआ एक पति चिड़िया का हो तो शेष पतियों में से दो एक पति निकालने की प्रायता। तो ऐसे रीजन में ठिकरी के गो बचा तेरह गो, तेरह गो में हमको निकालना है दू गो, तेरह में से दू का चुनाव करना, बट्टा नंबर ऑफ एस तो कुल कितना बचा? इक्यावन, इक्यावन में दू का चुनाव करना, इक्यावन सी टू। अब हल करिए बाबू, चलो तेरह गुने बारह बट्टा फैक्टोरियल, बट्टा का मतलब भागा, इक्यावन को इस तरह से सब हल करके सिखा चुके हैं। चलिए आओ बाबू, इसे ही कट गया, काटो छ दूनी बारह है ना, इसको काटो पच्चीस दूनी के पचास, ई काटो तीन दूनी छ सत्तर तिया काम, कितना हो गया तेरह दूनी के छब्बीस, यहाँ तेरह बचे हैं दो बचे, तेरह दूनी छब्बीस बटा चार सौ पच्चीस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू का मान छब्बीस बटा चार सौ पच्चीस। सिमिलरली जब खोया हुआ पति लाल पान का तो ठिकरी तेरह का तेरह रहेगा, काला पान खोएगा तो ठिकरी तेरह का तेरह रहेगा, यानी ई थ्री और ई फोर में भी आंसर यही आएगा सिमिलरली। चलो बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई फोर बराबर छब्बीस बटा चार सौ, यानी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाल लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई फोर निकाले, ये सभी का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, अब हल कर देंगे, वही तुम्हारा आंसर होगा। एक नजर इसको देखिए बाबू, ये आपका रफ है दोस्त, देखो बाबू इक्वेशन फर्स्ट से, क्या इक्वेशन फर्स्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाई ए बराबर क्या होता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू ए बाय इवन बट्टा, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए बाय इवन जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इनटू ए बाय ई टू जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री ए बाय ई थ्री प्लस देखो बोवर छोटा छोटा लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू ए बाय ई वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू ए बाय ई टू जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ
E by E3, your probability of E4, A by E4, ये तुम्हारा समीकरण फर्स्ट है। चलिए सबका मान देते हैं बाबा। Probability of E1, इसका मान लगा probability of E1, तो एकर मान एक बटा चार हुआ, गुने probability of A by E1, एकर मान 22 बट्टा 425 है बट्टा। चलो फिर बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बन एक बट्टा चार ए बाय ई बन 22 बट्टा 425 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, तो चाहे ई बन हो ई टू हो ई थ्री ई फोर सबका मान एक बट्टा चार हो। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू 26 बटा 425, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई थ्री एक बटा चार ए बाई ई थ्री 26 बटा 425, ई फोर एक बटा चार 26 बटा 425 हो गया। अब आइए एक बटा चार 22 बटा 425। अब आइए एक बटा चार एकरो में 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 तो एक बटा चार कॉमन ले ले, यहां बतो 22 बटा, देखिए इसे घेर आप है, यहाँ बचेगा एक बटा चार कॉमन, यहाँ बचेगा 22 बटा 425, 22 बटा 425, इसमें बचेगा 26 बटा 425, इसमें बचेगा 26 बटा 425, इसमें बचेगा 26 बटा 425, इसे ही कट गया। अब आइए बाबू 22 बटा 425, ये बटा मीन्स होता है भागा, अब 425 425 425 425 का एलसीएम हो गया 425 22 26 26 26। अब आइए दोस्त इधर आते हैं, बताइए जोड़िए बाबू 26 दुनी 52, बताओ सबको जोड़ दो, छ दुनी 12, 12 छ 18, 18 दू 20, 20 न बाबू कितना होगा 22 बटा 425, 6 छ दुनी 12, 6 18, 18 दू 20, 20 के 0 हाथ में 2, 2 4 6 8, 8 दू 10, चलिए 8 दू 10 जोड़ लीजिए बढ़िया से, छ छ दिनी 12, 12 छ 18, 18 दू 20, 20 के 0 हाथ में 2, 2 4 6 8, 8 दू 10, 10 बट्टा 425। चलो हल कर दो 22 बट्टा 425, 425 बट्टा 100 कट गया 22 बट्टा इतना 0.22 यही आंसर होगा, यानी इसको काट भी सकते हैं, कितना आंसर देख लेते हैं बउआ 13 पॉइंट, इसको काटा हुआ भाग नहीं दिया हुआ बउआ ऐसे काट दिया है, 11 दूनी 22, 50 दूनी 100, 11 बटा 50 दिस इज आंसर।